गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि घूमने निकले हुए हैं, तो हम आपको दिखाते हैं लाल किला। तो अभी बस से उतरे हैं और लाल किला की तरफ चल रहे हैं, पौआ पौआ चल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि कल से थके हुए थे इसलिए रेस्ट लिए हैं, रूम लिए, आराम लिए। तो अब हमारे सामने ही लाल किला है, वहाँ चलते हैं, सारा व्यू दिखाते हैं वहाँ का। हम तो आपको दिखा रहे हैं रेड फोर्ट, और पास से दिखाते हैं आपको। अब सामने से पूरा बैरिकेडिंग लगा हुआ, तो हम लोग इधर से चल रहे हैं और इधर से जाने का रास्ता इधर से है। तो आप लोग देख रही है जो साइड से हम दिखा रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा है, यहाँ से उतना दूर से बहुत लंबा चौड़ा है, पूरा देख रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं इधर से लाल किले की तरफ, गेट से सब बसें हैं सरकारी। तो सामने से 500 मीटर दूर है, तो रोड से रोड ही हम लोग चल रहे हैं मेन गेट पे। वहाँ से टिकट कटाने के बाद अंदर एंटर करेंगे, फिर उसके बाद जितना हो सके मैं सारा इंतज़ाम जो है वहाँ का दिखाऊंगा। और देख रहे हैं आप लोग, यहीं से लाल किला के सामने से जामा मस्जिद दिख रहा है वहाँ पे, कितना बड़ा बड़ा अमरूद है, स्वीट स्वीट एकदम। तो हम लोग लगता है कि पहुँच ही गए, जो कि रेड फोर्ट है पार्किंग एरिया, वहाँ पहुँच गए हैं। अब यहीं से अंदर की ओर एंटर करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। इधर से पूछते पूछते चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या हो रहा है इधर, कैसा है सब लोग, काफ़ी लोग जा रहे हैं, हम लोग भी चलते हैं अंदर। और ये पार्किंग व्यवस्था है, यहाँ पे पार्किंग होता है, गाड़ी जाके पार्क कर सकते हैं आप अंदर। इधर से हम लोग सारे लोग चलेंगे यहाँ से। जैसे कि हम लोग आ गए हैं फ्रंट पे, देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ हम लोग दिखाते हैं आपको, बहुत से लोग अपना टिकट कटा रहे हैं, और जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पर टिकट कटाने के बाद ही जा रहे हैं। इधर से हम लोग भी टिकट कटाते हैं वहाँ पर चल के। तो हम लोग टिकट ले लिए हैं, और मेरा मास्क भी टूट चुका है, और अंदर मास्क भी नहीं मिल रहा है, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अब जब घूमने आए तो अंदर चलते हैं। 50 रुपये का एक बंदे का टिकट पड़ा है, और अंदर हम नहीं जाएंगे, अगर जितना हो 50 रुपये में उतना ही देखेंगे। फ़िलहाल किसी दिन और चलेंगे, आएंगे तो 80 रुपये का टिकट लगेगा, पूरा घूम लेंगे, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ, तो हम लोग सोचे कि लाल किला पास ही में तो घूम लेते हैं, और इसके पास में जामा मस्जिद भी है, तो वहाँ पर भी चलेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल लाल किला है, तो लाल किला का व्यू दिखाते हैं आपको। तो किला के पास इतना गड्ढा है, क्योंकि यहाँ से लोग दुश्मन अटैक ना कर दे पहले, बहुत ऊंचाई है यहाँ पास में, देखने के बाद पता चल रहा है कितना ऊंचा है। दूर से देखने में लग रहा था कि छोटा ही मोटा इधर डलवारी होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ऊंचा डलवारी है, और गड्ढा, काफ़ी गड्ढा है यहाँ पे। पहले के ज़माने में पानी भरा करता था यहाँ पे, जितनी हिस्ट्री पता हम उतनी बताएँगे, बाकी खंगालेंगे, जितना मिलेगा उतना दिखाएँगे हम लोग को। तो यहाँ से रास्ता लंबा है, चलना पड़ रहा है, देख रहे हैं कितना ऊंचा ऊंचा दीवार है, कितना गड्ढा है यहाँ पे। इधर के साइड में उधर से रोड है, ये अंदर का बना हुआ है। तो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं रेड फोर्ट, लाल किला। तो इसके सामने जस्ट जहाँ पे भाषण होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को, तो वहाँ का व्यू दिखाएंगे, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी लोग वहाँ पे आके, और गेस्ट जो आते हैं हर साल, नए नए गेस्ट आते हैं दूसरे दूसरे देशों से, वहीं पे झंडा फहराया जाता है। तो हम वहाँ का दिखाते हैं आपको। यहाँ गेट खुला हुआ है, चल के ग्राउंड घूम सकते हैं आप लोग। यहाँ से आ गए हैं, बस थोड़ी दूर और, झंडा दिख रहा होगा आप लोगों को लहरता हुआ। तो ये देखिए, थोड़ा कॉर्नर से हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, तो यहाँ से हम लोग फ्रंट से दिखाएंगे, कितना अच्छा व्यू है, बहुत सुंदर बना हुआ है। उस ज़माने में कलाकारी जो है कि आज ज़माने में, इस ज़माने में कोई बना ही नहीं सकता है,
सकते हैं। कुछ लोगों को वीआईपी एंट्री सिर्फ मिलता है, जो कि कुछ खास खास लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं जो दिल्ली के अंदर हैं, काफ़ी बड़े पोस्ट पे वो आ सकते हैं, या कोई होगा जुगाड़ डॉट कॉम वाले वो आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ पानी वगैरह भी बहता है, बहुत से लोग देश विदेश से आते हैं घूमने के लिए, इंडिया से भी दूसरे दूसरे स्टेट से आते हैं घूमने के लिए। तो हम आपको दिखा रहे हैं फ्रंट से कितना है, बहुत भीड़ लगा हुआ है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो हम आपको फ्रंट से दिखा रहे हैं लाल किला का पूरा जो दृश्य है उस ज़माना। ये जो झंडा ऊपर हमेशा फहरता रहता है, जो सेकंड वाला पोल लगाया वाइट वाला, यहाँ पे फहरता है 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन यहाँ पे झंडा फहराया जाता है। तो यहीं से बैठ के यहाँ पर पूरी पब्लिक ऑडियंस जो रहती है बैठी रहती है, वहाँ से भाषण दिया जाता है। तो परेड सब यहीं पे होता है, और कहीं भी होता होगा, यहाँ पे हम जितना हमें मालूम है हम उतना बता रहे हैं। हमने ना कोई अभी रिसर्च किया है, ना कोई हमने हिस्ट्री पढ़ी यहाँ का, लेकिन जितना थोड़ा बचपन से सुनते आ रहे हैं उतना ही हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा धूप आ रहा है, उसकी वजह से थोड़ा क्लियर आ रहा है। हमारे मित्र जो हैं यहाँ पर हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो देखते हैं और इधर भी साइड चलते हैं, कुछ दिखाते हैं, देख लीजिए। तो हमारे पीछे ही देख रहे हैं आप लोग लाल किला, काफ़ी अच्छा लगा घूम फिर के, हमें मज़ा आ गया, थोड़ा एंजॉय भी कर लिए हैं। तो दो लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ जो कि थक चुके हैं घूम घूम के, पूरे घूमने के तरीके से घूमते घूमते थक गए हैं, फ़ोटो तो लेते रहते, अभी फ़ोटो भी हम लोग एक क्लिक करवा लेंगे, लाल किला के पास आके आए हैं तो क्लिक करवा लेंगे। तो देखते रहें आप, फटाफट कमेंट करते रहें आप लोग, और लाइक वीडियो ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करते रहें आप लोग। और यहाँ गेट से अंदर होते हैं लोग, अंदर म्यूज़ियम है और वहाँ तोफ रखा हुआ है, तो यहाँ से जाने के लिए हमें लगता है यहाँ से गेट है, जो कि यहाँ से एंट्री करने के बाद ही अंदर जाएंगे, यहाँ से एंट्री करेंगे तो अंदर गेट है, अंदर जाने के बाद सब म्यूज़ियम है और बहुत कुछ है। तो हम ऊपर से दिखाते रहे और चलते हैं, देखते हैं अगर एंट्री होगा तो चलेंगे, नहीं तो फिर कभी दिखाएँगे अंदर का, आते हैं दिल्ली तो फिर कभी दिखाएंगे अंदर का व्यू पूरा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब फटाफट कर लें आप लोग। दोस्तों जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि लाल किला पर जो वीडियो हम बनाए थे आ जाके, तो वहाँ पे हमारा टिकट खो गया, और टिकट खोने के बावजूद से हम लोग वापस चले आए आधा रास्ते से, क्योंकि टिकट खोने के बाद अंदर जाने नहीं दिया। तो फिर दिखाते हैं आपको, किसी दिन चलते हैं तो अंदर का पूरा व्यू दिखाएंगे। इतना वीडियो देखने के लिए थैंक यू, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।